सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एस के इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन। सो स्टूडेंट्स, आज हम ये दोनों डायग्राम करने वाले हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये वाला डायग्राम बना के दिखाने वाला हूँ ऑटोकैड पे, ठीक है। सो, मैं अपना ऑटोकैड ओपन कर लेता हूँ। तो ऑटोकैड ओपन होते ही आपको ऐसा डेस्कटॉप दिखेगा। यहाँ पे आपको रिसेंट, ओपन और न्यू तीन चीज़ें मिलती हैं। रिसेंट में आपने जो भी डायग्राम बना करके सेव किया है ऑटोकैड में, वो चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी। अगर आपके पास ऑटोकैड की कोई दूसरी फाइल पड़ी है, एक्सटर्नल फाइल, आप उसे ओपन करके एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ओपन करके एडिट कर सकते हैं। न्यू पे अगर आपको कोई न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो आप न्यू पे जा करके उसे क्रिएट कर सकते हैं। सो न्यू पे मैंने क्लिक किया, ऐसा इंटरफेस ओपन होता है। सो इंटरफेस ओपन होते ही आपको स्क्रॉल डाउन करना, आपको ग्राफ दिख जाएगी, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। बात कर लेते हैं इस चीज़ के बारे में। ये जो है, जो आप मेरा माउस देख पा रहे हैं, इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्या कहते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। ये होती है डायरेक्शन, जो कि हमेशा टॉप पे रहती है, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिस जिस डायग्राम में पड़ती है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बाकी ये चीज़ होती है मेन कमांड लाइन या कमांड टैब बोल सकते हैं, इसको मॉडल टैब या मॉडल लाइन बोल सकते हैं, ठीक है। ये होता है ऑर्थो मोड, जो ऐसा 90 डिग्री का बनाया होगा एंगल सिंबल, उसको कहते हैं ऑर्थो मोड। ऑर्थो मोड F8 से ऑन भी होता है, F8 से ऑफ भी होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम अपने डायग्राम के बारे में। सो, मैं आपको यही एक डायग्राम आज करके दिखाने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। सो, स्टार्ट करते हैं। पहले हमें क्या करना है, एक 85 की लाइन बनानी है, ठीक है। सो, हम लाइन कमांड का यूज़ करते हैं। लाइन कमांड के शॉर्टकट की ये होता है L Enter, ठीक है। अब इसमें स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास नहीं है, तो उसके लिए हमें एक्सिस से स्टार्ट करना है। तो 0,0 टाइप करेंगे, फिर एंटर करेंगे। अभी ये मेरा जो लाइन है वो पूरा 0 to 360 डिग्री मूव कर रहा है। सो, उसे स्ट्रेट में लाने के लिए मुझे ऑर्थो मोड को ऑन करना पड़ेगा। सो, मैं F8 प्रेस करता हूँ तो मेरा ऑर्थो मोड ऑन हो गया, ठीक है। अभी मुझे लाइन कितने की चाहिए, 85 की, तो 85 एंटर कर दिया, स्केप। अभी इसे जूम करो तो आपकी लाइन दिख जाएगी, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, ये जो 85 का ये वाला सेंटर है, लेफ्ट हैंड कॉर्नर जो है, वहाँ पे आपको एक 10 रेडियस का सर्कल बनाना है। ये डायामीटर का साइन होता है, ठीक है, ये साइन डायामीटर का होता है। अभी यहाँ पे 10 का आपको रेडियस बनाना है, एक 30 का रेडियस बनाना है, सर्कल बनाना है, ठीक है। सो, सर्कल कमांड का शॉर्टकट की होता है C एंटर। अभी स्पेसिफाई पॉइंट आ गया, तो यहाँ से हम 10 एंटर कर देते हैं, फिर से सर्कल का C एंटर, यहाँ पे 30 एंटर, ठीक है। अभी हमें क्या बोला है कि इस सेंटर से ऊपर का डिस्टेंस 40 है, ठीक है। तो हम लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं लाइन कमांड का यूज़ करके। ओके, अब यहाँ से हमें 40 जाना है ऊपर, ठीक है। हम 40 गए, फिर यहाँ से राइट हैंड साइड लेके आना है, और इस वाली लाइन को L कमांड यूज़ करके आपको वहाँ पे ऊपर टच करना है, ठीक है। हमने ये ऊपर टच क्यों किया है, हमें ये पॉइंट चाहिए, ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है ना, ये वाला, ये चाहिए हमें, जो कि यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको एक 6 का रेडियस का सर्कल बनाना है। ये जो सर्कल बना हुआ है, ये 6 का रेडियस है, ठीक है, और एक 15 का रेडियस है। तो हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो सर्कल के लिए C कमांड एंटर, यहाँ पे आपको एक 6 का सर्कल बनाना है, फिर से C एंटर, यहाँ से आपको एक 15 का सर्कल बनाना है, ठीक है। ओके, अब इतना होने के बाद यहाँ से 40 की डिस्टेंस पे इसका दूसरा मिड पॉइंट है, ठीक है। सो, इस लाइन को अब हम सेलेक्ट करते हैं और डिलीट करते हैं। फिर से आपको L कमांड लेना है, एंड यहाँ से आपको 40 की डिस्टेंस पे जाना है, एंटर करना है, फिर डाउन कर देना है कितना भी। फिर से आपको वापस इस पॉइंट पे जाना है, और यहाँ से 50 का डिस्टेंस, ठीक है। 50 की डिस्टेंस से आपको ये लाइन स्क्रॉल करके 40 करना है। 40 क्यों करना है मैं बताता हूँ, क्योंकि ये डिस्टेंस इन्होंने 40 दे रखा है, ठीक है। हम ये वाली जो मिड लाइन है ना, अभी हमने ये फाइंड किया है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने 90 फाइंड कर लिया, ये 40, ये 50, तो यहाँ पे आया 90। अब 90 से हम 40 जाएंगे नीचे। सो, वही लाइन मैंने ड्रॉ की है। अभी क्या है कि ये जो हम यहाँ पे सेंटर निकला है
वहाँ से हमें 15 का फिर से एक सर्कल बनाना है, ठीक है? तो हम बना लेते हैं, ये जो हमें सेंटर मिला है यहाँ पे 15 का सर्कल बनाना है, ठीक है? ये 15 का सर्कल बन गया, ओके। अभी ये जो चीज़ है ये दोनों, ये 30 के, ये 30 का सर्कल है, यहाँ पे 15 का सर्कल है, ठीक है? तो हमें इन दोनों सर्कल के बीच में ये टेंजेंट लाइन चाहिए, ठीक है? और यहाँ पे जो 15 का सर्कल है और इधर जो 15 का सर्कल है, इनके बीच में भी टेंजेंट लाइन चाहिए। सो हम टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट लाइन ड्रॉ करने का कमांड होता है, पहले आपको L एंटर, ठीक है? ये लाइन कमांड हो गया। अभी आपको शिफ्ट प्रेस करना है, फिर माउस का राइट वाला बटन आपको क्लिक करना है, तो ऐसे यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपको टेंजेंट सेलेक्ट करना है, फिर किसी भी एक सर्कल पे रख सकते हैं। फिर से आपको शिफ्ट प्रेस करना है, फिर से आपको माउस का राइट वाला बटन क्लिक करना है, फिर से टेंजेंट पे जाना है, फिर दूसरे वाले सर्कल पे ले लेना है। तो ये हो गया आपका टेंजेंट, ये टेंजेंट आपका ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद फिर से आपको टेंजेंट लेना, तो फिर से L एंटर करना पड़ेगा सर्कल पे जा कर के, सॉरी शिफ्ट माउस का राइट हैंड राइट वाला क्लिक करना है, फिर टेंजेंट सेलेक्ट करना है, फिर इस पे रखना है, फिर से आपको शिफ्ट करना है माउस का राइट, ये टेंजेंट सेलेक्ट किया, ये दूसरे वाले सर्कल पे गए, इसने ऑटोमेटिक टेंजेंट लाइन ले लिया है, ठीक है? अभी इसमें क्या करना है कि हमें 50 का यहाँ पे सर्कल बनाना है, तो ठीक है। तो 50 का सर्कल बनाने के लिए हमें सेंटर पॉइंट पता होना चाहिए यहाँ पे, हालांकि सेंटर पॉइंट दे रखा है लेकिन हमें ऐसे नहीं पता चलेगा। सो उसके लिए हम 50 का फिलेट लगाएंगे। फिलेट एंड सर्कल एक ही चीज़ होती है, बट फिलेट क्या होता है कि हाफ में ही लगता है, ठीक है? डायरेक्ट लग जाता है आर्क। तो हम फिलेट का कमांड होता है F एंटर, ठीक है? अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है रेडियस, स्ट्रीम और मल्टीपल। अगर आपको मल्टीपल जगह पे लगानी है तो पहले आप मल्टीपल सेलेक्ट करें, फिर रेडियस सेलेक्ट करें। अगर आपको सिर्फ एक ही जगह पे लगानी है तो डायरेक्ट आप रेडियस सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे एक ही जगह पे लगाना है इसलिए मैं रेडियस सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे रेडियस कितने का है? 50 का, ठीक है? अब यहाँ पे सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मतलब पहला ऑब्जेक्ट, यानी किस किस के बीच में वो आर्क बना है। तो इस सर्कल के और इस सर्कल के बीच में बना है, ठीक है? हमारा 50 का आर्क लग गया, ओके। अभी हमें सिर्फ ये वाला पार्ट बनाना बाकी रह गया, ठीक है? सो यहाँ पे हमने 40 लिया था, अब उस 40 से फिर से 6 का सर्कल लग जाएगा, यानी ये जो 40 है हमारा, यहाँ से 6 का सर्कल लग जाएगा। सी एंटर, और यहाँ पे सर्कल का रेडियस है 6, ये बन गया, ठीक है? अभी आपको ये वाले पॉइंट पे जाना है, लाइन कमांड का यूज़ करना है, ठीक है? अब ये वाले पॉइंट पे जाना है, यहाँ से आपको 40 एंटर करना है, ठीक है? फिर स्केप, फिर से लाइन कमांड, इस वाले पॉइंट पे जाना है, यहाँ से आपको 40 एंटर करना है, ठीक है? अब ये वाले लाइन को हमें ऐड करना है कि नहीं करना, ठीक है? अब सारी चीज़ें जो बची है फालतू की वो हमें ट्रिम करनी है, ठीक है? तो हम पहले क्लिक कर लेते हैं डिलीट, ठीक है? डिलीट सेलेक्ट किया, डिलीट सेलेक्ट किया, डिलीट सेलेक्ट, डिलीट सेलेक्ट, डिलीट सेलेक्ट, डिलीट, ठीक है? सेलेक्ट डिलीट, ओके। अब जो बाकी की पार्ट्स बच रहे उसको हम ट्रिम करेंगे। TR डबल एंटर प्रेस किया, ठीक है? अब ये गया ट्रिम, ये हो गया ट्रिम, ये हो गया ट्रिम, ये हो गया ट्रिम, ओके। ये वाला पार्ट चाहिए, ये ट्रिम, ये ट्रिम, ये ट्रिम, ये ट्रिम, ये ट्रिम। हमारा डायग्राम बनके एज इट इज़ रेडी हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आगे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं हमेशा अच्छी अच्छी कॉन्टेंट्स लाता हूँ आप सभी के लिए, ढूंढ ढूंढ करके इतनी मेहनत करते हैं। तो प्लीज़ आपका लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है स्टूडेंट्स, जो करते हैं हम आपके लिए ही करते हैं। सो इतना तो आप कर ही सकते हैं किसी टीचर्स के लिए। सो थैंक यू।